सुशांत सिंह राजपूत की ट्रेजिक डिमाइस ने बॉलीवुड में तूफान खड़ा कर दिया है और अब राइटर चेतन भगत ने फिल्म थ्री इडियट्स के प्रोड्यूसर विधु विनोद चोपड़ा पर लगाए हैं कुछ सीरियस एलिगेशन। चेतन भगत ने अपने एक ट्वीट में कहा है कि विधु विनोद चोपड़ा की वजह से वो ऑलमोस्ट अपनी जान तक देने की सिचुएशन में आ गए थे। इस पूरे मामले की शुरुआत तब हुई जब चेतन भगत ने अपने एक पोस्ट में सुशांत सिंह राजपूत की आखिरी फिल्म को लेकर सोशल मीडिया पर पोस्ट डालते हुए बॉलीवुड के फिल्म क्रिटिक्स को बनाया निशाना। चेतन ने लिखा, सुशांत लास्ट फिल्म रिलीज इज दिस वीक। आई वॉन्ट टू टेल द स्नॉब एंड एलिटिस्ट क्रिटिक्स राइट नाउ, राइट सेंसिबली, डोंट एक्ट ओवर स्मार्ट, डोंट राइट रबिश, be fair and sensible, don't try your dirty tricks, you have ruined enough lives, now stop, we'll be watching। चेतन का ये ट्वीट था फॉर ऑल द फिल्म क्रिटिक्स। ऐसे में विधु विनोद चोपड़ा की वाइफ अनुपमा चोपड़ा, जो कि खुद एक क्रिटिक हैं, उन्होंने अपने पोस्ट में लिखा, each time you think the discourse can't get lower, it does। Well, अनुपमा चोपड़ा का ये पोस्ट चेतन भगत को बहुत ज्यादा पिंच कर गया और उन्होंने ओपनली अनुपमा चोपड़ा के हस्बैंड विधु विनोद चोपड़ा पर सीरियस एलिगेशन लगाते हुए कहा, मैम, व्हेन योर हस्बैंड पब्लिकली बुलीड मी, शेमलेसली कलेक्टेड ऑल द बेस्ट स्टोरी अवार्ड्स, ट्राइड डिनाइंग मी क्रेडिट फॉर माई स्टोरी एंड ड्रोव मी क्लोज टू सुसाइड, यू जस्ट वॉच्ड, वेयर वॉज योर डिस्कोर्स। चेतन भगत के ये एलिगेशन काफी सीरियस थे, ऐसे में हर जगह इसकी बातें होने लगी और फिर चेतन भगत ने आगे अपने पोस्ट में अपने पूरे पॉइंट को एक्सप्लेन करते हुए लिखा, मेनी नो दिस, फॉर दोज न्यू हियर, वन, थ्री इडियट्स वॉज बेस्ड ऑन माई नॉवल 5.someone एंड माई स्टोरी, टू, द फिल्म वन एवरी स्टोरी अवार्ड दैट ईयर, थ्री, I was not given any of those story awards. They took them all. 4. As a powerless newcomer, I was bullied and was deeply affected. वैसे चेतन भगत के पोस्ट को लेकर कई क्रिटिक्स ने उन पर क्वेश्चन उठाया है, as they feel चेतन भगत बिना वजह क्रिटिक्स को निशाना बना रहे हैं। लेकिन जिस तरह चेतन भगत ने अनुपमा चोपड़ा और विधु विनोद चोपड़ा को निशाना बनाया, वो काफी शॉकिंग है। इस मामले में कई लोग जहां चेतन भगत को सपोर्ट कर रहे हैं, वहीं कुछ लोग चेतन भगत के इस ब्लैंकेट स्टेटमेंट को क्रिटिसाइज कर रहे हैं।